इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आईफोन के अंदर हमारा जूम मोड लगा हुआ है, लेकिन जैसे इस पर लॉक लग जाता है तो जूम मोड कैसे हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसे किसी भी तरीके से मतलब चला नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर जो खोलने का रहता है हमारा वो यहाँ पर शो नहीं करता। फिलहाल तो यहाँ पर शो कर रहा है, बट कभी-कभी ये शो नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पर थ्री फिंगर्स रहती हैं हमारी, तो इसको जो है हम इस तीनों टिक से क्लिक करके ऊपर नीचे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे काम हम यहाँ से कर सकते हैं, इससे भी नीचे ला सकते हैं एंड सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसका लॉक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा थ्री फिंगर से, और फिर यहाँ पर अपना कोड डाल देना होगा। कोड डालने के बाद अब मान के चलिए आपकी जूमिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जूमिंग लेवल बहुत ज़्यादा है, इसको बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि जूमिंग लेवल। अब मैं इसको बंद करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, तो जूमिंग लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत आती है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हमें बंद करना है। तो सेटिंग्स पहले से मैं बंद कर देता हूँ पूरा सेटिंग्स को, और अब दोबारा सेटिंग्स में जाते हैं। ठीक है, हम मान के चलिए हमें इसे बैक करना है, तो यहाँ पर थ्री फिंगर करके हम बैक कर सकते हैं। अब मान के चलिए इस फीचर पर हमें जाना है, तो हमें यहाँ पर इसे नीचे की ओर कर देना होगा थ्री फिंगर्स लगाकर। ठीक है, तो थ्री फिंगर्स लगाकर करेंगे तो ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, नीचे जाने के लिए टू फिंगर्स एंड साइड में जाने के लिए थ्री फिंगर्स। अब एक्सेसिबिलिटी में जाइए, मैं गलत जगह पर चला गया, यहाँ से मैं सेटिंग्स पर बैक करता हूँ, और ये रही हमारी एक्सेसिबिलिटी, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पर हमें जूम मोड दिखाई दे जाएगा, इस पर जाना है और इसे टिक करके टर्न ऑफ कर देना है, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये इतना सा प्रोसेस रहता है इसका, सिंपल सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।